यूपी पुलिस के सिरदर्द बन चुके एटीएम लूट गैंग का पर्दाफाश करने में आखिरकार संभल पुलिस को सफलता मिली गई। बीते दिनों इस गैंग ने संभल और मुरादाबाद जिले के एटीएम काट कर दोनों जिलों से 26 लाख रुपए लूट लिए थे और अन्य जिलों में भी ये गैंग लगातार सक्रिय था, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इनके पास से 13 लाख रुपए सहित एटीएम काटने के उपकरण और अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। तिहाड़ जेल में रह चुके गैंग के सरगना संभल निवासी आसिफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर संभल और मुरादाबाद में एटीएम से 26 लाख रुपए लूट कर ली थी, जिसके बाद से मुरादाबाद और संभल पुलिस को एटीएम लूट गैंग की तलाश थी। आरोपियों ने सबसे पहले 20 जून को संभल के थाना नखासा क्षेत्र में एटीएम काटकर एटीएम से 10 लाख रुपए लूट की, जिसके बाद 5 जुलाई को मुरादाबाद सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक एटीएम से 16 लाख रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने खुलासे में बताया कि गैंग का सरगना आसिफ 2011 में हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल में रह चुका है। वहीं से इसको 2 साथी मिले और लॉकडाउन में इनको पैसों की जरूरत पड़ी तो इन्होंने एक एटीएम काटने वाले शातिर को अपने गैंग का सदस्य बनाया और रेकी करके संभल के एटीएम से 10 लाख रुपए उड़ा लिए, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक पैसे कम पड़ने पर आरोपियों ने 2 ग्रुप में बंटकर फिर प्लान बनाया और संभल मुरादाबाद के अलावा रामपुर में एटीएम की रेकी शुरू की, जिसके बाद 5 जुलाई को संभल पुलिस ने संभल के नखासा थाना क्षेत्र में गैंग के 2 सदस्यों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गैंग के दूसरे ग्रुप ने मुरादाबाद में कामयाबी हासिल कर ली और मुरादाबाद के एटीएम से 16 लाख 74 हजार रुपए लूट लिए। फिलहाल संभल पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित गैंग के बाकी 4 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 13 लाख रुपए और एटीएम काटने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आसिफ, रिजवान, शौकीन उर्फ सानू, राहिल, आजाद के नाम से हुई है। ये जनपद संभल में 16-17 तारीख को एक एटीएम लूट की घटना हुई थी। उसके बाद मुरादाबाद में 4-5 तारीख को एक एटीएम लूट की घटना हुई थी। इसी क्रम में मुकदमा लिखा गया था, टीमें बनाई गई थी और लगातार कार्रवाई की जा रही थी। इसमें अभी एक अंतर्राज्यीय गैंग पकड़ा गया है, जिसमें मुख्य रूप से आसिफ जो व्यक्ति है, इसका सरगना उसी ने सारे प्लान को एग्जीक्यूट किया। आसिफ संभल का रहने वाला है, नखासा थाना क्षेत्र का। ये तिहाड़ जेल में बंद हुआ था 2011 में, हत्या के जुर्म में बंद था। वहाँ पे इसका परिचय हुआ राहिल उर्फ आजाद से। वहाँ पे उसके तिहाड़ जेल के अंदर ही उसका साथी उससे परिचित हो गया और उसके बाद ये लोग बाद में भी आना जाना, इनका आपस में मिलना जुलना जारी रहा। अभी लॉकडाउन के दौरान इन लोग को जब पैसे की तंगी होने लगी, काम छूट गए, तो इन लोगों ने, राहिल आज़ाद ने आसिफ से कहा कि कोई काम देख लिया जाए तो इनको कोई पैसे की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। आसिफ का एक मित्र है इशरत, जो बदायूं का रहने वाला है, उससे भी इन्होंने चर्चा की तो इशरत ने बताया कि उनके कॉन्टैक्ट में एक शाहरुख नाम का लड़का है जो एटीएम काटता है, बहुत बढ़िया एटीएम काट लेता है। तो उसको मिल करके इन लोगों ने, राहिल आज़ाद, आसिफ, इशरत, शाहरुख, इन सब ने मिल करके एक प्लान बनाया और उस 10-12 दिन पहले, घटना संभल में करने से 10-12 दिन पहले वो लोग संभल में आए और उसके बाद शाहरुख ने राहिल आज़ाद को, जो डाई बनाने का काम करता है और 10वीं तक पढ़ा हुआ व्यक्ति है, तो उसको सिखाया कि कैसे हम लोग एटीएम को काटेंगे, उसको कैसे पर्टिकुलर 7 सेंटीमीटर दूर से कट करके एल शेप में ऊपर से लेकर के फिर नीचे तक लाएंगे, फिर एल शेप में कट करेंगे, एक स्पेसिफिक एरिया में कट करेंगे, जिससे कि जो लॉकर का बोल्ट लगता है, लॉक लगता है, वो वहाँ से खुल जाएगा, पूरा लॉकर खुल जाएगा और पूरा पैसा उसमें से निकल जाएगा। ये लोग इसकी एक्सपर्टीज़ के लिए एक मोटी चादर भी खरीद के लाए और उसके बाद उसको लगातार काट करके राहिल आज़ाद वगैरह ने इसको प्रैक्टिस किया कई दिनों तक। जब ये साउंड हो गए उसमें कि हाँ हम लोग ठीक ठाक से घटना कर लेंगे, तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि अब एक दिन इकट्ठा होते हैं, उसके बाद घटना कारित करते हैं। 16 तारीख को ये लोग दिल्ली से, राहिल आज़ाद, शौकीन उर्फ सानू जो छोटा हाथी पहले चलाता था वो, और रिजवान जो लंबे कदकाठी का है, ये तीनों मिलकर के दिल्ली से आए और जो आसिफ है संभल का रहने वाला, इसने इशरत और शाहरुख को बुला लिया और सभी लोग अमरोहा में जोया में एक बंद पड़ी फैक्ट्री थी वहाँ पे इकट्ठा हुए। वहाँ से लेकर के आसिफ इनको संभल आया, संभल में इन लोगों ने एटीएम की रेकी की। रेकी करने में इन्होंने कई पॉइंट का ध्यान रखा कि उसमें सेंसर ना लगा हो, उसमें अलार्म ना लगा हो, सिक्योरिटी फीचर उसमें मजबूत ना हो, इस चीज़ों को इन्होंने चेक किया। दूसरा, इनको ये आइडिया था कि मंगलवार और शनिवार को ही पैसे भरे जाते हैं एटीएम में, जिसकी इन्हें जानकारी थी पूर्व से ही, और इसको फोकस करते हुए इन लोगों ने एटीएम के बाहर रह करके ये देखा कि
कोई व्यक्ति उसमें से जितने पैसे निकाल रहे हैं, अगर वो 2000 का नोट निकाल रहा है तो इसके मतलब एटीएम में ज़्यादा है, अगर 500 का नोट निकाल रहा है तो उसमें पैसे कम हैं। इस तरीके से ये लोग उसको पर्टिकुलर स्पेसिफिक तरीके से रेकी करके एटीएम को टारगेट किए। तो जो संभल में इन्होंने टारगेट किया, बैंक ऑफ बड़ौदा का एक एटीएम था आर्य समाज रोड पे, उसको टारगेट किया। उसमें अंदर शाहरुख और साहिल रात में सुबह करीब 3-4 बजे के आसपास उसमें घुसे। अंदर शाहरुख और साहिल, उन्होंने फिर एटीएम को काटा। बाहर उसमें आसिफ और रिजवान खड़े हुए थे उसको सिक्योर करने के लिए, और उसके बाद इशरत और शौकीन गाड़ी में बैठे हुए थे। इसके बाद ये लोग वहीं पे आसपास घूमते रहे। गाड़ी में भी नंबर प्लेट इन्होंने डुप्लीकेट बनवा रखा था अमरोहा से, अमरोहा का ही नंबर प्लेट था, उसको लगवा रखा था। और उसके बाद ये लोग उसको टारगेट किए हुए थे, वहाँ पे सुरक्षा दे रहे थे। फिर जब अंदर से कटिंग करके इन लोगों ने संभल के एटीएम से 10 लाख रुपए निकाले, और 10 लाख रुपए ले करके और उस जो काटने का अपैरेटस, गैस सिलेंडर और तमाम चीज़ें थी उसको सब ले करके गाड़ी में रख लिया इन्होंने। फिर वापस यहाँ से जोया गए, जोया में इन लोगों ने पैसे का बंटवारा किया तो 6 लोगों में 1.5-1.5 लाख के आसपास इन लोगों का बंटवारा हो पाया। तो चूँकि पैसे कम मिले उसके बाद ये लोग चले गए। फिर इन लोगों ने पैसे कम मिलने की वजह से अगला प्लान बनाया कि अब इस बार हम लोग कई एटीएम में टारगेट करेंगे काटने का। उसके 10-12 दिन बाद इन लोगों ने, ये लोग पुनः इकट्ठा हुए वहीं जोया में जो बंद पड़ी फैक्ट्री थी वहाँ पे इकट्ठा हुए, जिसमें आसिफ, शाहरुख, इशरत और ये राहिल, रिजवान, शौकीन उर्फ सानू, ये सब इकट्ठा हुए वहाँ पे। वहाँ से फिर ये लोग संभल आए। संभल में उन्होंने रेकी की एटीएम की, मुरादाबाद में एटीएम की रेकी की और रामपुर में भी एटीएम की रेकी की। पूरे एरिया में ये लोग शाम तक घूमते रहे। और उसके बाद ये तय किया इन लोगों ने कि जो इशरत और शाहरुख हैं ये संभल में अब एटीएम काटेंगे, वहाँ जाएंगे, और जो बाकी 4 लोग हैं वो मुरादाबाद में काटेंगे, और काटने के बाद आकर के इन लोग इनको ज्वाइन करेंगे, इशरत और शाहरुख को भी ज्वाइन करेंगे ये लोग। तब तक ये दूसरे एटीएम की रेकी करके उसके काटने की तैयारी करके रखेंगे। इन बिटवीन शाहरुख और इशरत उस दिन पकड़ गए, पुलिस संभल पुलिस के द्वारा पकड़े गए और मुठभेड़ में उनकी गिरफ्तारी हुई। बाकी बचे हुए लोग जो मुरादाबाद में थे, आसिफ, रिजवान, शौकीन उर्फ सानू, राहिल आज़ाद, इन लोगों ने वहाँ पे एटीएम काटा जो सिविल लाइन आसियाना कॉलोनी काट रोड मुरादाबाद में एटीएम था उसको वहाँ पे काटा। उसमें आज़ाद, शौकीन, रिजवान ये सब वहाँ पे इकट्ठा थे। इसमें जो रिजवान है, रिजवान खान जो है, ये लंबा तगड़ा आदमी है, ये बाहर खड़ा रहा, और अंदर शौकीन नहीं, अंदर राहिल उर्फ आजाद, अंदर राहिल उर्फ आजाद जो है वो गया। अब वहाँ जा करके उसने एटीएम को काटा। इसी बीच में दो वहाँ पे जो उसके वो थे चौकीदार, वो आ गए, जिसको रिजवान ने रोक लिया, कंधे पे हाथ रख करके बैठा लिया और रोक लिया वहीं पे। और उसके बाद एक साथी उसका आया, उसको भी रोक लिया, वहीं पे बैठा लिया, बैठाए रहा, उनका फ़ोन ले लिया, उनको कहीं फ़ोन नहीं करने दिया। अंदर से जो ये राहिल आज़ाद है, इसने पूरी एटीएम कटिंग की और वहाँ से 16 लाख रुपए लेकर के ये लोग गाड़ी में रखे और इधर आ रहे थे संभल की तरफ। तो देखें यहाँ पुलिस की गाड़ियों के काफ़ी मूवमेंट है, तो ये लोग सीधे फिर जोया निकल गए। जोया निकलने के बाद 65,000 रुपए इन लोगों ने लिए, बाकी 10 लाख रुपए चूंकि बड़ा अमाउंट था, वो ये सोचे कि अगर हमारी गाड़ी में सीधे 10 लाख लेके जाएंगे और पकड़ गए तो इसका जवाब नहीं दे मिलेगा। तो 10 लाख रुपए आसिफ को यहीं पे दे के संभल में उसको छोड़ दिया और बाकी सब लोग दिल्ली निकल गए। उसके बाद ये सारे लोग अब पकड़े गए हैं, इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। राहिल आज़ाद और शाहरुख इसके मास्टरमाइंड है, जो एटीएम काटते थे, आसिफ जो पूरी प्लानिंग करवाता था, सबको इकट्ठा करता था, और शौकीन और रिजवान इसमें उनका साथ देते थे। ये सारे लोग पकड़े गए हैं, इससे पहले इशरत और शाहरुख पकड़े गए थे, बाकी बचे हुए 4 लोग पकड़े गए हैं। अब सभी को जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, इसमें एक सबसे बड़ी बात जो निकल के आई कि इसमें दो रिजवान और राहिल आज़ाद दो फर्जी आप तक का पत्रकार बन करके आई कार्ड बनवाए हुए थे, वो फर्जी आई कार्ड यूज करते थे। इन्होंने गाड़ी पे भी लोगो लगा रखा था आज तक का, और आप तक का मीडिया आप तक का पत्रकार बन के फर्जी लोगों को कि कहीं चेकिंग हो जाए या कहीं बात हो जाए तो मीडिया का अपना लोगो प्रयोग करके और आई कार्ड दिखा करके ये अपना बचाव कर लेंगे। इस तरीके से जो रिजवान है और राहिल आज़ाद ये दोनों आई कार्ड बनवाए हुए थे, फर्जी आई कार्ड आप आज तक का, मतलब आज तक के रूप में आप तक का, मीडिया आप तक का बना रखा था उन्होंने लोगों, दिखने में वो आज तक का था लेकिन उसमें एक्चुअल में ध्यान से पढ़ने पे आप तक का वो दिखाई देता।
इस तरीके से इन्होंने एक फ्रॉड किया है जिसका अलग से मुकदमा लिखा जा रहा है। सर कितना कैश बरामद हुआ है? पैसा इनसे पूर्व में 3.5 लाख रुपए बरामद हुए थे, आज 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। टोटल 13.5 लाख रुपए इनसे बरामद हुए, 26 लाख की टोटल दोनों लूट हुई थी। 10 लाख रुपए संभल से और 16 लाख रुपए की लूट मुरादाबाद से हुई थी। टोटल 26 लाख की लूट हुई थी और जिसमें 13.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। एक स्विफ्ट गाड़ी VDI बरामद हुई है और ये गैस सिलेंडर काटने के औजार ये सब बरामद हुए हैं। इसमें 3 तमंचे 12 बोर के, 1 तमंचा 315 बोर का, और उसके बाद ATM कार्ड, फर्जी ATM कार्ड इनके पास भी है, वो भी बरामद हुआ है। 4 ATM कार्ड, आई कार्ड जो मीडिया का इन्होंने बना रखा है, आप मीडिया आप तक का, वो बरामद हुआ है, और ये सारी चीज़ें इनके पास से बरामद हुई हैं। सर सरगना का आपराधिक रिकॉर्ड क्या रहा है? हाँ, इनका आपराधिक रिकॉर्ड बड़ा विस्तृत आपराधिक रिकॉर्ड रहा। इसका राहिल उर्फ आज़ाद जो है, इसके ऊपर 8 आपराधिक मुकदमे हैं। ये लगातार लूट चोरी इस टाइप के मुकदमे हैं इनके ऊपर। और जो आसिफ है वो 2011 में 302 का अपराधी था, हत्या करने का अपराधी था, और ये सब तिहाड़ जेल में बंद थे। इसमें आसिफ है उसके ऊपर भी आपराधिक इतिहास है, शौकीन है उसका भी आपराधिक इतिहास है, सभी लोगों के अपने आपराधिक इतिहास है जो तिहाड़ जेल में बंद थे, कई कई जेलों में बंद रह चुके हैं पूर्व में भी। राशन दुकान प्रस्ताव में लगी भीड़, जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। संबल जनपद के नखासत थाना क्षेत्र से कोरोना महामारी के बीच कुछ डराने वाले वीडियो सामने आए हैं। राशन दुकान के प्रस्ताव को लेकर प्रशासन द्वारा बुलाए गए खुली बैठक में सैकड़ों लोगों के जमा होने पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती साफ तौर पर नजर आ रही है। देश में आज भले ही 11 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज क्यों हो गए हों और 28,000 से ज्यादा की मौत भी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी ना तो कोई अधिकारी और ना ही देश के आम लोग कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। ताजा मामला जनपद संभल के नखासा इलाके के हिसामपुर से आया है। दरअसल यहां पर सस्ते गल्ले की दुकान के प्रस्ताव हेतु आज खुली बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोगों के बैठने हेतु बाकायदा टेंट लगाकर व्यवस्था की गई थी। इस बैठक में बतौर अधिकारी स्थानीय ब्लॉक से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे, और उन्हीं के सामने बैठी लोगों की भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई, जो वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। अब देखने वाली बात यह कि उक्त राशन की दुकानें किन लोगों को मिलती हैं और कितने लोग कोरोना संक्रमण से ग्रसित होकर अपने घरों को लौटते हैं और संबल स्वास्थ्य विभाग के लिए एक नई चुनौती खड़ी करते हैं। रामपुर में मामूली विवाद में जमकर चले लाठी डंडे लात घूंसे, महिला पुरुष भी आमने सामने। घटना का वीडियो ग्रामीणों ने खुद सोशल मीडिया पर किया वायरल। मामला दो पक्षों से जुड़ा है, जहां पर महिलाएं पुरुष उस वक्त आमने सामने आ गए जब मामूली विवाद में तेजी बढ़ने लगी। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट, इस घटना में कई लोग हुए घायल। हादसे का वीडियो हुआ वायरल, मगर गाँव में मामले को निपटाने में जुड़े पंचायती। घटना स्वाड क्षेत्र के मोलागढ़ गाँव की है, बताई जा रही है। इस मामले में अभी कोई भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है और वीडियो तेजी से 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। किशनपुर मोलागढ़ की रहने वाली हूँ। हमारे पापा से खेत के ऊपर लड़ाई हो गई थी कचरे के, और क्या नाम है, इतनी लड़ाई झगड़े होते रहे, क्या नाम है, जब इधर को पता चला, हमें अंदर को आने के गांव में पता चला कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उधर हमने जाके देखा तो क्या नाम है, सब लोग हमारे बाप को इस तरह से डंडे लाठी से मारने लिपटे पड़े थे। क्या हम तो कुछ कर भी नहीं सकते थे, खड़े होकर पहले तो देख ही रहे थे कि कैसे बचाएं कैसे ना बचाएं ना। फिर जब हम बचाने के लिए गए तो हमारे ऊपर भी लाठी चार्ज कर दी एकदम से, इतने डंडों से इतना मारा तोड़ी करी के हाथों में भी और क्या नाम है कंधे में भी और कहानी मुन्नी में सब में चोट आई हैगी। और क्या नाम है, कुछ चीज वगैरह पहन नहीं थी मैं, अंगूठी थी मेरी सोने की और क्या नाम है कान की बालियाँ थी, पाँव में पजेबें थी, गले में हार था, वो भी सारा छीना छूनी कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं जब हमारे पास से सब कुछ चला गया था। कार और बस की भयानक भिड़ंत, अभी अभी बाड़मेर बालोतरा हाईवे पर लूनावास कला गांव के समीप सड़क हादसे में 5 लोग घायल और फंसे हुए हैं। उनको निकालने की भारी मशक्कत की जा रही है। 3 क्रेन की व्यवस्था और ग्रामीणों के सहयोग से कार बस की टक्कर इतनी भयानक थी कि आसपास के गांवों तक सुनाई दी। पुलिस प्रशासन मांगीलाल जी CO जवर SHO परमेश्वरी बिश्नोई में टीम के साथ हादसे स्थल पर पहुंचे, एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है। अभी समय लग रहा है लोगों को बाहर निकालने में, अभी तक घायलों को बाहर निकालने की भारी मशक्कत की जा रही है। कार में सवार लोगों के बचने की संभावना नहीं बताई जा रही। 4 से 5 सवार कार में फंसे हुए हैं, बताया जा रहा है कि समदड़ी के पास अजीत गांव के लोग हैं। पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है,
एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है, गांव वालों की मदद से और क्रेन की व्यवस्था की गई है, क्रेन से गाड़ियों को अलग किया जा रहा है। जवर एसएचओ भी पहुंच चुके हैं यहां पे, सीओ साहब मांगीलाल जी भी यहां पहुंच चुके हैं और पुलिस प्रशासन की दो गाड़ियां भी पहुंच चुकी है यहां पे, एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है। हाईवे पे जाम लगा हुआ है थोड़ी देर के लिए, अभी गाड़ियां निकल रही है। राजेंद्र सिंह लुड़ावास, ब्यूरो रिपोर्ट, जोधपुर। संबल डॉक्टर कपिल और आजम खान की रिहाई के लिए पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। जनपद संबल में पीस पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सैयद असलम के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिला अधिकारी राजेश कुमार को सदर तहसील में सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि मौजूदा हालात में कोरोना का प्रकोप है, उसमें लोगों की जान बचाने के लिए सरकार को डॉक्टर कपिल को रिहा करना चाहिए और पूर्व काबीना मंत्री और मौजूदा सांसद आजम खान ने प्रदेश में शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की, ऐसे शब्द जो देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार ने उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर जेल में डाल रखा है, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। पीस पार्टी कार्यकर्ता जब तक इन बेगुनाहों की आजादी नहीं हो जाती तब तक जन आंदोलन करती रहेगी। कर आए हैं राज्यपाल महोदय को संबोधित के इसी देश में बीजेपी की जो जालिम सरकार है, जो जुल्म ढा रही है उन लोगों पर, जो हमारे सम्मानित लोग हैं आजम खां जो सांसद हैं, उन्हें जो है क्या इसकी सज़ा दी गई कि उन्होंने जो है जौहर यूनिवर्सिटी दी और हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों के हाथ में कलम दिया देश को जो है ऊंचा करने के लिए, देश के नाम को ऊंचा करने के लिए, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया, उनकी बीवी को गिरफ्तार किया बकरी चोरी और भैंस चोरी के इल्ज़ाम में, 2 बीघे ज़मीन के इल्ज़ाम में। ऐसे सम्मान डॉक्टर, वो डॉक्टर कफील जिसने हज़ार हाँ लोगों की जान अपनी जो है बचाई और जो है उसको हॉस्पिटल में जब जिस वक्त में अपने उसके जो है गोरखपुर हॉस्पिटल में जो बच्चों की जान बचाई, उस आदमी को जो है गिरफ्तार किया गया इस कोरोना महामारी के दौर में, जहाँ हज़ारों लोगों की डॉक्टर कफील द्वारा जो है जान बचाई जा सकती थी। जो इसी तरीके से अनवर उस्मान हजार हाँ लोगों को हमारे इस देश में आप हैरत करेंगे। हैरत की बात यह है कि ऐसे प्रोफेसर आनंद तेल तुमड़े जैसे लोगों को, जिन्होंने 30 किताबें लिखी, जिन्होंने 30 किताबें जो गरीबों की आवाज़ बना करते थे, ऐसे लोगों को जब जेल में डाल दिया जाएगा तो इस देश का क्या होगा। अभी तक आपने लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रियों और अधिकारियों को ज्ञापन देते देखा होगा, लेकिन बाजपुर में जन प्रतिनिधियों ने एक ऐसा ज्ञापन दिया है जिससे क्षेत्र के लोगों में चर्चाएं बनी हुई हैं। बता दें कि बाजपुर के 20 गांवों की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर जिला अधिकारी ने रोक लगा दी थी, जिसको लेकर बाजपुर में कांग्रेस सहित अन्य पार्टी के कार्यकर्ता सरकार और अधिकारियों की तानाशाही को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अधिकारियों और मंत्रियों को ज्ञापन दे रहे हैं। दोनों तरफ से कोई निष्कर्ष न निकलने पर प्रदर्शनकारियों ने मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में जाकर सभी धर्मों के भगवान को ज्ञापन दिया है, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने ईश्वर से सरकार और अधिकारियों को बुद्धि देने की मांग की है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि सरकार और अधिकारी दोनों तानाशाह रवैया अपना रहे हैं, जिससे परेशान होकर भगवान की शरण में आना पड़ा है। उन्होंने बताया कि बाजपुर के किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक अब केवल ईश्वर की कृपा से ही मिल सकता है, जिसके लिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है। बाजपुर बचाओ मुहिम चलाई जा रही है, उसका आज 50वां दिन है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक संदेश, सकारात्मक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि सरकार इस विषय पर गंभीर हो। उसको देखते हुए आज 50 दिन पूरे हैं, तो सभी सहयोगियों के मार्गदर्शन में यहाँ पर आज देव द्वार यात्रा शुरू है, जिससे कि हम पूरे मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में और गिरजाघर में ये एक एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, प्रार्थना पत्र देने जा रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि मिले, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि मिले और यहाँ के जो हजारों परिवारों का भविष्य है वो सुरक्षित हो सके। हाँ, आज हम यहाँ बिल्कुल भगवान के चरणों में हमने ज्ञापन आज प्रेषित किया है कि जिस पर भगवान अपना आशीर्वाद दें और सरकार को सद्बुद्धि दें। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता, निकम्मापन मैं कहूँगा, और यहाँ की सरकार जो तानाशाही तरीके से चल रही है, और यहाँ का एक जिलाधिकारी
जो पूरा हिटलर शाही का शासन यहाँ याद दिला रहा है, और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है यहाँ के जनप्रतिनिधि में। मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ का जो मौजूदा मंत्री भी हैं वो फ़ोन पर डीएम को कोई कह नहीं सकते। ये हालात हैं सरकार की, निरंकुश सरकार है, तानाशाह सरकार है, उसके खिलाफ भगवान की शरण में है और भगवान इस सरकार को सुरबुद्धि दी। जनपद संभल की चंदौसी में रोटरी क्लब अमन ने शमशान घाट को मोक्ष वाहन भेंट किया। जनपद संभल की चंदौसी में रोटरी क्लब अमन ने शमशान घाट को एक मोक्ष वाहन भेंट किया। इस विषय में रोटरी क्लब अमन के अध्यक्ष भुवनेश वाषड़े ने बताया कि हमारे क्लब की काफी समय से ये इच्छा थी कि हम लोग शमशान घाट को एक वाहन भेंट करें, जो आज पूरी हुई है और ये सुविधा सभी लोगों के लिए निःशुल्क है। इसके लिए हमने अपने ड्राइवर के नंबर जारी किए हैं, जिससे कोई भी आसानी से संपर्क करके वाहन को बुला सके। क्या नाम है आपका? भुवनेश कुमार वासने, मैं रोटरी क्लब अमन का अध्यक्ष हूँ। हमारे रोटरी क्लब अमन का एक समाज सेवा में अलग ही नाम है। हमारे क्लब का एक सपना था कि चंदौसी के लिए एक सेवा के लिए मोक्षवान से बहुत दिनों से सोच रखा था, तो सभी मेंबर के सहयोग से ये आज सपना पूरा हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे बाबूजी के कर कमलों से व हमारे यहाँ के शमशान भूमि के जो अध्यक्ष हैं उनके सहयोग से हमें एक वहाँ गैराज बनाने का भी मौका मिला, और हमारे इसमें मेंबरों ने खुद ही स्वेच्छा से अपने बढ़ चढ़कर सेवा के लिए सहयोग दिया है, और हमारा क्लब आगे भी अनेक कार्य के लिए हमेशा तैयार रहेगा, यही मेरी कामना है। और देवी मैया से ये चाहते हैं कि रोटरी अमन हर तरह हर कार्य के लिए तैयार रहे। तो किस तरीके से उसको, ये हमने एक व्यवस्था कमेटी बनाई है, और ये व्यवस्था कमेटी हर साल जो भी स्वेच्छा से सहयोग करेगा वो उसमें रहेगी काम के लिए। हर साल इसमें जो आने वाले अध्यक्ष सेक्रेटरी उसमें जो भी व्यवस्था कमेटी के साथ सहयोग देंगे, और कोई को भी संपर्क करेगा मेंबर का चंदौसी में किसी भी रोटेरियन से, एक हमारी चालक व्यवस्था कमेटी सहयोग में दो नाम दिए हैं, उनके नंबर पर रिंग करेगा वह हमारी व्यवस्था कमेटी को, और अगर कोई पे भी ऐसा होगा कि नई भी सेवा होगी तो उसको हम निशुल्क भी ये सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। जनपद संभल की चंदौसी में कोरोना सर्वाइवर ने कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है और क्वारंटाइन सेंटर में मिली सुविधाओं को बताया अच्छा। कोरोना सर्वाइवर का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के मरीजों को दी गई सुविधाओं में से वे पूरी तरह से संतुष्ट हैं और इसके लिए सरकार का धन्यवाद देते हैं। जब शुरू में मुझे कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई तब मैं थोड़ा डर गया था, फिर मुझे मुरादाबाद के पीएमयू अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों ने मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो उससे मेरा मनोबल बढ़ा। वहाँ पर हमारे खाने पीने का भी अच्छा ध्यान रखा गया, जिसके लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं। और अब 10 दिन बाद मैं पूर्णतः स्वास्थ्य होकर घर लौट आया हूं, तो लोगों से कहना चाहता हूं कि कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस एहतियातन रखने की आवश्यकता है। कोरोना सर्वाइवर होकर आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे? कोरोना से लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, जो दूरी है गैपिंग का, सबसे ज्यादा दूरी का बनाए के रखनी चाहिए, कम से कम 2 मीटर की दूरी बना के रखनी चाहिए। और कोई बीमारी से आदमी जब स्टार्टिंग में नाम सुनता है कि कोरोना हो गया तब डर लगता है, पर वो बीमारी ऐसी बड़ी कोई बीमारी नहीं है। जब हॉस्पिटलाइज में होते हैं तो लोगों को 50% ऐसे लोग मिलते हैं जिनमें लक्षण भी नहीं होते, और उनको देख के ना हिम्मत बढ़ती है, और जो अपने अगर को कोई लक्षण भी होते हैं तो वो उन लोगों से हिम्मत बढ़ती है। जी, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं इस विषय पर यह कहना चाहूँगा कि किसी भी जनता के आदमी को घबराने की इससे ज़रूरत नहीं है, हौसला रखना चाहिए, और हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिला टी एम यू की तरफ से, और जो था मुझे निमोनिया का थोड़ा असर हो गया था, थोड़ी सी मुझे सांस में भी प्रॉब्लम थी, तो मैंने अपने आप को जाकर चेकअप कराया जिला अस्पताल संभल, उसके बाद मुझे टी एम यू भेज दिया गया। टी एम यू जाने के बाद मुझे ट्रीटमेंट मिला, अच्छा ट्रीटमेंट मिला, जिससे कि मैं सही होकर अपने यहाँ 6 तारीख को घर पर आ गया। अच्छा, जो सुविधाएं आपको मिली सरकार की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? सुविधाएं बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया सुविधाएं थी, अच्छा ट्रीटमेंट है, सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार।